लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ऑफ एक्सरसाइज थ्री सी दैट इज लीन इक्वेशन टू वेरिएबल क्वेश्चन नंबर फाइव इज सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमें ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में तो हम कैसे करें चलिए करते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी टू एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल्स टू वन और सेकेंड इक्वेशन थी टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू थ्री तो हमारा सबसे पहला रूल होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए कि हम सी वन सी टू भी लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं राइट तो हमारा हम ले आए टू एक्स प्लस फाइव वाई माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो और ये आ गया टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो तो अब हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाना है तो एक्स वाई और वन यहाँ क्या आएगा बी वन बी टू सी वन सी टू ए वन ए टू एंड बी वन बी टू अब B1, B2 अगर आप देखें तो फाइव और थ्री है A1, A2 देखें तो टू और टू है और C1, C2 देखें तो माइनस वन एंड माइनस थ्री है तो हम उसकी प्लेस पे लिख देते हैं ये है फाइव ये है थ्री ये है माइनस वन ये है माइनस थ्री ये है टू ये है टू और ये है फाइव और ये है थ्री फॉर्मूला लिख लेते हैं x अपॉन बी वन एन टू सी टू बी वन C two minus B two into C one B two into C one equals to Y upon C one into A two minus C two into A one equals to one upon A one into B two minus A two into B one right अब x के नीचे क्या आएगा फाइव इंटू माइनस थ्री एक्स अपॉन फाइव ए माइनस का थ्री माइनस आगे क्या है थ्री इंटू माइनस वन थ्री इंटू माइनस वन इसी तरीके से y का देखें y का क्या है y का है माइनस वन इंटू टू एंड माइनस थ्री इंटू टू माइनस वन इंटू टू माइनस माइनस का थ्री इंटू टू राइट वन का क्या है वन का देखें वन का कह रहा है टू इंटू थ्री माइनस टू इंटू फाइव टू इंटू थ्री माइनस टू इंटू फाइव तो ये कितना आ गया x अपॉन माइनस का फिफ्टीन माइनस माइनस प्लस का थ्री equals to y upon minus ka 2 minus minus plus 2 3 is a 6 1 upon 2 3 is a 6 minus 10 take it nage x upon minus 12 equals to y upon 4 equals to 1 upon minus 4 क्यों क्योंकि देखिए ऑपोजिट साइन थे सब्ट्रैक्ट हो गया और साइन बड़े वाले का लगा सेम केस यहाँ पे भी ऑपोजिट साइन थे साइन बड़े वाले का लगेगा ये भी अपोजिट साइन थे सब्ट्रैक्ट हो गए साइन बड़े वाले का लगा तो अब x की वैल्यू कांस्टेंट के साथ लेंगे x अपॉन माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू वन अपॉन माइनस फोर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया माइनस फोर एक्स इक्वल्स टू माइनस ट्वेल्व माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो एक्स कितना आ गया 12 अपॉन फोर दैट इज थ्री इसी तरीके से वाई अपॉन फोर वन अपॉन माइनस फोर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया माइनस फोर वाई इक्वल्स टू फोर और वाई आ गया 4 अपॉन माइनस का 4 तो ये आ गया 4 वन जो फोर फोर वन जो फोर माइनस का 1 तो हमें पता चल गया x है थ्री और y है माइनस वन इज़ द आंसर